हेलो एवरीवन वेलकम टू डिफेंस वाला माय नेम इज राहुल परमार हेलो हेलो एवरीवन प्लीज लेट मी नो दैट एम आई ओडेबल एंड विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू इन टू द कॉमेंट बॉक्स प्लीज लेट मी नो बेटा क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का कैसे हो आप सभी लोग जय हिंद जय हिंद मृदुल जय हिंद रोहुल साहिल करण जय हिंद मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है मैं दिखाई आप लोगों को दे रहा हूं सुनाई आप लोगों को दे रहा हूँ प्रॉपरली ओडेबल हूँ सभी को ऑल पॉजिटिव प्रियदर्शी जय हिंद जय हिंद बेटा जय हिंद करण ओके तो आज बेटा मैं आप लोगों को एक टॉपिक बताने जा रहा हूं एक न्यूज बताने जा रहा हूं एक तूफान है जिसका नाम है मीचोंग ये तूफान हमारी बे ऑफ बेंगोल के अंदर जनरेट हुआ है बे ऑफ बेंगोल के साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक सीवियर साइक्लोन जनरेट हुआ है एक बना है जिसका नाम है साइक्लोन मिचोंग इस साइक्लोन मीचोंग के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है तमिलनाडु के अंदर और आंध्र प्रदेश के सदन इलाके में यानी कोरोमंडल कोस्ट जो है हमारे देश की उस कोरोमंडल कोस्ट के पास यहां पर क्या कर दिया ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है ये एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते बेटा जो कि नेचर के अंदर ओकर होते हैं सडनली ओकर होते हैं इन्हें हम रोक तो नहीं सकते बट हम प्रेपेयर हो सकते हैं और इनके जो कॉज होते हैं इनका जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसे मिटिगेट कर सकते हैं तो ये साइक्लोन मेचोंग है जो देखने को मिला है हमें कहां पर वे ऑफ बेंगोल के साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर ये इस साल का छठवा साइक्लोन है और बे ऑफ बेंगोल के अंदर आने वाला चौथा साइक्लोन है इस साइक्लोन की वजह से चेन्नई की कई सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी बेटा जैसे कि चेन्नई का जो एयरपोर्ट था वहां पर आने वाली जितनी भी फ्लाइट थी उन फ्लाइट को या तो कैंसिल किया गया या फिर उन फ्लाइट को शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स बेंगलोर वाई सो ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए होता बेटा जैसे आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा एक सिंपल सा फैक्ट आता है कि सर साइक्लोन जो होता है वो तो पानी लेकर के जमीन पर आता है और उससे बाढ़ आती सैलाब आता है पर इससे फ्लाइट का क्या क्या ताल्लुका जब साइक्लोन आता है ना बेसिकली बेटा तो विंड की स्पीड बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब विंड की स्पीड स्पीड बढ़ जाती है तो जो फ्लाइट्स होती है ना उन फ्लाइट्स को टर्ब्यूल्स देखने को मिलता है मतलब फ्लाइट लैंड करना चाहते फिर हवा की गति तेज हो जाती फिर फिर ऊपर लेना पड़ता नीचे मतलब इस तरह की जो आपने झूले देखे ना इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती जब साइक्लोन आता है साथ साथ ही वेदर कंडीशन इतनी ज्यादा इनस्टेबल हो जाती है कि उस इनस्टेबिलिटी के कारण फ्लाइट को लैंड कराना मुश्किल हो जाता है विजिबिलिटी जो उस पर्टिकुलर एरिया की वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि क्यूमलो निम्बस क्लाउड टावर्ड होते हैं उस साइक्लोन के ऊपर तो आज इस साइक्लोन के बारे में हम जानेंगे कि साइक्लोन हमारे किस इलाके के अंदर आया और इसने किस हिसाब से तबाही मचाई साइक्लोन होते क्या है साइक्लोन आते कैसे ठीक है ओके शुरू करते हैं ओके तो ये है बेटा साइक्लोन मिचोंग जो कहां पर आया है हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला अब क्या होता है बेटा जब इस तरह के साइक्लोन आते हैं ना तो जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स होते हैं फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है है ना ये स्टेट्स जो होते हैं यहां पर इतना ज्यादा फील नहीं हो पाता ना तो विंड की स्पीड फील हो पाती है और ना ही तेज रेनफॉल टोरेंशियल रेनफॉल विच इज एसोसिएटेड विद दी साइक्लोन्स ये भी हमें देखने को नहीं मिलती बट जो कोस्टल स्टेट्स होते फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश है फॉर एग्जांपल तमिलनाडु जहां आया वहीं की बात कर रहा हूं मैं इन कोस्टल स्टेट में बहुत ज्यादा तबाही मचती जितने भी फीसरमैन होते हैं ना उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती उनको थोड़ी ना पता होता बेचारों को कि साइक्लोन आने वाला है वो तो एक नेक इरादे के साथ समंदर में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और बुरा तब होता है जब वो लौट ही नहीं पाते तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है जो कि मिचौंग के साथ भी देखी गई ये है आपकी ट्वेल्थ बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट मतलब इंडियन आर्मी की आप लोग भी आगे जाकर के सर्व करने वाले हो आप लोगों को ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जाती आपको ये चीजें क्यों बताई जाती इसलिए बताई जाती है ताकि इस तरह की डिजास्टरस कंडीशन देखने को मिल जाए देखो हमारा जो देश है हमारा भारत है ये बहुत प्यारा देश है इसमें उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ से लेकर के तो दक्षिण में प्यारा सा नीला समंदर है हर तरफ से हमारा देश स्प्लाशिंग रेन साथ साथ ही अबंडेंस ऑफ ट्रॉपिकल सनशाइन एंड मॉनसून क्लाइमेट से ब्लेस्ड है हमारी कंट्री बट कुछ इस तरह के भी हमें हमारे इस मुल्क के अंदर देखने को मिलते हैं बट कोई ना एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और इसके साथ साथ आर्मी के कई सारे पर्सनल्स आ जाते हैं आपको रेस्क्यू करवाने के लिए आप जब साइक्लोन आता किस तरह की कंडीशन हो जाती ये आर्मी के जो जवान आपको दिखाई दे रहे उनकी एज और जिनको उन्होंने अपने कंधे पर ले रखा दोनों की ही एज लगभग आपको बराबर नजर आ रही होगी बट क्या होता बेटा ये ट्रुप जो होते हैं ये तैयार होते हैं इस तरह की सिचुएशन के लिए बट आम आदमी जो होता है वो इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं होता है जब वो एकदम से ऐसे क्राइटेरिया ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो एक तरह की ट्रोमेटिक कंडीशन जनरेट हो जाती माइंड के अंदर थोड़ा सा हिप्नोटाइज फील करता है उस टाइम पर आर्मी एनडीआरएफ एस जैसी टीम जैसी फोर्सेस आकर के यहां से हमको रेस्क्यू करके किसी अच्छी जगह लेकर के जाती है ठीक है ओके okay, आगे बढ़ते हैं तो क्या है मिचोंग की कहानी किस तरह का साइक्लोन है बात करते हैं मिचोंग साइक्लोन इज फोरकास्टेड टू मेक लैंडफॉल इन कोस्टल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ऑन दिसंबर चार यानी आज के दिन जो मिचोंग साइक्लोन है वो लैंडफॉल करेगा बेटा ये लैंडफॉल वर्ड जो है ना एक एकेडमिक टर्म है ज्योग्राफी को लेकर के इस लैंडफॉल को मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्दर इसी टॉपिक के अंदर तो याद रखना इसने लैंडफॉल किया वैसे मोटे मोटे तौर पर या फिर लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये जो साइक्लोन था इस साइक्लोन ने इंडिया की कोस्ट को टच किया मतलब एक कंडीशन होती है ध्यान से सुनना मेरी बात एक कंडीशन होती है कि तूफान जो आता है ना यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वो समंदर के अंदर अपने आप को और विशाल बनाता है बट जैसे ही वो जमीन पर पांव रखता है वैसे कि वैसे के उसकी स्पीड कम होने लगती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइक्लोन डिसिपेशन या फिर साइक्लोन लैंडफॉल ये पॉइंट हमेशा हमेशा याद रखना कि जब साइक्लोन लैंडफॉल करता है तब उसकी स्पीड उसकी स्ट्रेंथ उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे होने लगती है बट अगर उसे उसके पाथ में आगे जाकर के कोई वाटर बॉडी मिल गई फॉर मैं आपको बताऊं साइक्लोन ने लैंडफॉल किया उड़ीसा में और और वो वेस्टवर्ड जाने लगा और उसको संबलपुर में जाकर के महानदी के ऊपर इंडिया का लॉन्गेस्ट डेम जिसका नाम हीराकुंड मिल गया तो फिर से एनर्जी ले लेगा ले और फिर से पावरफुल बन जाएगा तो इस तरह की एक कंडीशन होती जब तक उसको वार्म एंड मोस्ट एयर का सप्लाई कट नहीं होगा तब तक साइक्लोन को ताकत मिलती रहेगी तो यह वाली चीजों को हम बोलते हैं लैंडफॉल इसको नोट करना है आप सभी लोगों को इट इज पोस्ट मॉनसून साइक्लोन इन इंडियन ओशन। साइक्लोन हमारे देश में बेसिकली दो तरह के आते हैं कौन कौन से साइक्लोन आते हैं हमारी कंट्री के अंदर मैं आपको बताता हूं दो तरह के साइक्लोन हमें देखने को मिलते एक प्री मॉनसून और एक पोस्ट मॉनसून तो प्री मॉनसून जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है ये आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल एंड मे के टाइम पे यानी मॉनसून के मॉनसून के चार महीने यानी चौमासा उस चौमासा से पहले यानी प्री मॉनसून साइक्लोन और अगर उसके बाद कौन से अक्टूबर या फिर नवंबर एंड दिसंबर इस टाइम पर जो साइक्लोन देखने को मिले पोस्ट मॉनसून साइक्लोन तो प्री मॉनसून साइक्लोन वो साइक्लोन मॉनसून के चार महीने तो पता है ना गधो मॉनसून के चार महीने पता है ना कौन कौन से एक तो आपका जून जुलाई अगस्त एंड सेप्टेंबर ये चार महीने होते हैं तो चार के पहले प्री मॉनसून चार के बाद पोस्ट और ये चार हो गया चौमासा इंडिया ने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इंडिया के अंदर मॉनसून जो रहता कितने दिन तक रहता है तो उसका आंसर था 100 से लेके 120 डे अब इसको अगर आप 30 से डिवाइड करोगे ना तो चार महीने आपके देखने को मिल जाएंगे ठीक है इसको याद रखना चलो फिर से वहीं आगे बढ़ते हैं। ओके okay, तो ये एक तरह का पोस्ट मॉनसून साइक्लोन है आईएमडी एम डी है प्रेडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन मिचोंग इन साउथ वेस्ट बे ऑफ बेंगोल ये जो साइक्लोन मिचोंग है ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बेंगोल में देखने को मिला मतलब ये बेटा आपका दिस इज बे ऑफ बेंगोल और इस बे ऑफ बेंगोल के इस बे ऑफ बेंगोल के साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर क्या होता है यह रहा आपका नक्शा है ना ये हो गया आपका ईस्ट ये हो गया नॉर्थ ये हो गया वेस्ट और ये साउथ तो इस बे और बेंगोल के साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर यहां पर जनरेट होता हुआ और तमिलनाडु और तेलंगाना के सदन पार्ट को हिट करता हुआ ये साइक्लोन हमें नजर आया आई थिंक आप लोगों को इसका पाथ क्लियर हो चुका होगा कौन से पार्ट के अंदर क्या बोला मैंने आप लोगों को तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बेंगोल साउथ वेस्ट और बे ऑफ बेंगोल में यानी इस वाले हिस्से के अंदर आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिला सर आ, 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 क्या है सर इंडिया का न्यू बेच कब तक आएगा बहुत जल्दी बेटा इंडिया का बेच आने वाला है वो जल्द आपको इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी है ना तो आप एकदम तैयार रहना आपकी प्रिपरेशन सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है क्योंकि सपना आपने देखा है और पूरा हम लोगों को करना है तो इस चीज का तो लोड मत लो नई बेच कब आने वाली बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नई बेच आने वाली जिस बेच के अंदर आपको फुल फ्लेजेडली पूरी चीजों की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी ठीक है तो क्या बताया IMD of of Bengal, इस हिस्से के अंदर. किस हिस्से के अंदर जो अभी आपको बताया था यहां पर हमें दिखाई दिया द इंडियन ओशन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आई एम डी हैज इश्यूड एन ऑरेंज अलर्ट फॉर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश अब दो स्टेट है हमारे पास कौन कौन से एक आपका तमिलनाडु और एक आपका आंध्र प्रदेश सर आपको मिडिल में क्या हुआ था कुछ नहीं हुआ था बेटा कौन से मिडिल में मेरा एक, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके थ्रू मेरा पांव में फ्रैक्चर हो गया था पांव की दो बोन्स जो होती टीबी एंड फेब्यूला तो फेब्यूला टूट चुकी थी देर फोर में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था अब मैं ठीक हूं और आप लोगों के साथ ठीक है ओके अब इधर ध्यान से सुनो है ना चलो हाँ हाँ, हाँ मैं ही हूं बेटा देखो तो ये क्या बोलता है उसको इंडियन ओशियन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया इस साइक्लोन को लेकर के और उस अलर्ट को कहा गया ऑरेंज अलर्ट तो ये अलर्ट्स क्या होते हैं कौन कौन से अलर्ट्स बताए जाते हैं आईएमडी के द्वारा तो उनको समझो देखो ये टोटल चार प्रकार के अलर्ट्स हमको बताए जाते हैं आई के द्वारा जब किसी भी प्रकार की डिजास्टरस कंडीशन होती है अगर वो मेटिरोलॉजिकल डिजास्टर है एक कंडीशन में यहां लिख रहा हूं इसको ध्यान से सुनना इसको नोट करो बेटा डिजास्टर एक कंडीशन होती है डिजास्टर बेसिकली डिजास्टर में यहां पर आपको दो तरह के डिजास्टर बता रहा हूं और डिजास्टर होते क्या है और ये जो साइक्लोन था कौन से डिजास्टर के अंदर आया ये सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से सीएपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बर्निंग टॉपिक है इसको ध्यान से सुनना डिजास्टर बेसिकली हमारे पास एक होता है जियोलॉजिकल और एक होता है मीटियोरोजिकल अब जियोलॉजिकल जो डिजास्टर होता है इसके अंदर वो सारी चीजें जो धरती के अंदर से उत्पन्न हो ठीक है हाँ इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको बट यहीं पर नोट कर लो जो धरती के अंदर से उत्पन्न हो जैसे कि आपका अर्थक्विक जैसे कि आपका वोलकैनिज्म और एक और टर्म आता है एंड दैट टर्म इज योर सुनामी अब हमारा दिमाग इसलिए खराब होता है कि सर ये जो सुनामी है जियोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा भूगर्भिक जो धरती के अंदर से उत्पन्न हो तो भूकंप तो समझ में आ गया वोल्केनो भी समझ में आ गई बट सुनामी कैसे सुनामी का ऐसा कंडीशन होता बेटा, है बेटा इट ओकर जस्ट बिकॉज ऑफ समर्ड अर्थक्वेक जो सम्मर्ज अर्थक्वेक होते हैं समझ अर्थक्वेक इसका कारण बनते सुनामी का समुद्र के अंदर कुछ अर्थक्वेक आते वही मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आपका आ गया साइक्लोन जो हमें दिखाई भी दे रहा अभी जो हो रहा है साइक्लोन समझ में आ गया दूसरा साइक्लोन के बाद फ्लड इसी के अंदर आ जाएगा है ना फिर इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा ड्राउट भी यानी सूखा सूखा जो पड़ता है ना वो भी आपका मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा और ये जो डिजास्टर आता है इस डिजास्टर से बचाने के लिए हमारे देश में बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 जिसके चलते एसडीआरए एनडीआरए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ये हां नेशनल एक आ जाएगा आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ठीक ये दो चीज आती है हमारे पास कब जब हमें डिजास्टर देखने को मिलते एक एनडीआरएफ और एक एसडीआरएफ अभी ये जो डिजास्टर आ रहा इस डिजास्टर से आपको एनडीआरएफ अरे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये काम कर रही है और एस डी आर एफ ये भी इसके साथ साथ काम कर रही है। तो ये फोर्सेस हमें देखने को मिलती है शक्ति बेट बेच बेटा जल्दी ही आपका शुरू होगा आपको शक्ति के अंदर भी सारी चीजें बड़े बड़े लेक्चर के अंदर पढ़ाई जाएगी है ना तो टेंशन मत लेना बिल्कुल तो जब भी डिजास्टर आता है उससे 2005 के अधिनियम के तहत ये जो फोर्सेस बनाई गई है ये फोर्सेस हमें इससे बचाती है अब जैसे कि ये वाला डिज, डिजास्टर है जो हमें देखने को मिला कौन सा हाँ जो हमें मिचोंग देखने को मिला अब मिचोंग में कौन सी ट्वेल्थ बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट के साथ साथ एनडीआरएफ काम कर रही यानी ट्वेल्थ बटालियन ऑफ मद्रास के साथ साथ एनडीआरएफ की जो फोर्स है वो मिलकर के यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोगों को इतना समझ में आया चलो ये अलर्ट्स होते हैं जब डिजास्टर आता है ना तो उससे बचने के लिए कुछ अलर्ट्स बताए थे पहला होता ग्रीन अलर्ट ग्रीन अलर्ट का मतलब होता नो अलर्ट या फिर ऐसी कंडीशन कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है बारिश हो रही है होती रहे आपको ज्यादा उससे इश्यू नहीं आएगा सो दैट इज टमडेज ग्रीन अलर्ट फिर आता येलो अलर्ट येलो अलर्ट का मतलब होता वेट एन वॉच घर पे रहो न्यूज सुनो रेडियो सुनो टेलीविजन देखो और पता करो कि कंडीशन कैसी है आपको इंफॉर्मेशन बैक टू बैक मिलती जाएगी ये होगा आपका येलो अलर्ट फिर आता बेटा आपका ऑरेंज अलर्ट ऑरेंज अलर्ट में क्या होता है कि घर के बाहर मत निकलो डिजास्टर जो है वो ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इसके बाद आता है रेड अलर्ट रेड अलर्ट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहां से लोगों को रेस्क्यू करके किसी दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ता है इवेक्यूएट करके रेस्क्यू करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ता है ये चारों अलर्ट समझ में आए सभी को फटाक से कॉमेंट करके बताओ चारों अलर्ट क्लियर हुए चारों के चारों आपका ग्रीन अलर्ट येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट सारे क्लियर हुए अब ये देखो बेटा ऋतिक ये वाला हिस्सा है ना तमिलनाडु का वहां पर ऑरेंज अलर्ट लागू हो चुका है और तमिलनाडु की कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रेड अलर्ट भी लागू किया गया है बेटा यश जोशी क्या है कि कंडीशन ना अभी एक डिजास्टरस है है ना लोग परेशान हो रहे लोग मर रहे हैं जानवर परेशान हो रहे हैं आपका मैनग्रोव टूट रहे तो इस टाइम पे थोड़ा सा नहीं हंसते है ना तो ग्रीन अलर्ट इट मींस नो अलर्ट येलो अलर्ट वेट एंड वॉच घर में बैठो और आराम से चीजों को सुनो कि क्या गवर्नमेंट का क्या उस प्रकार उस जगह के मौसम विभाग के आदेश आ रहे ऑरेंज अलर्ट में आपको घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है क्योंकि कंडीशन खराब हो सकती है और एंड माता रेड अलर्ट और रेड अलर्ट की कंडीशन में हमको सेफली रहना है ठीक है ओके बेटा यश चलिए आगे बढ़ते अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो नाम दिया जाता है ये नाम कौन देता बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी इंडियन ओशन के अंदर आते हैं इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को टोटल तेरह कंट्री मिलाकर के नेम देती है कौन सी टोटल तेरह कंट्री है जो मिलाकर नेम देती है बांग्लादेश इंडिया ईरान मोलदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान कतर सऊदी अरेबिया श्रीलंका थाईलैंड यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन ये इतनी कंट्रीज है दीस आर दी कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन है ना वो कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन से कहीं ना कहीं टच है कुछ कंट्रीज इंडियन सबकॉन्टिनेंट की भी है और इंडिया भी इसके अंदर आता है तो इन कंट्रीज मिला करके ट्रॉपिकल साइक्लोन को नाम देती अब कैसे नाम देती ये नाम देती इस तरह से देखो हर कंट्री ने अपने तेरा तेरा नाम दिए क्या बेटा हर कंट्रीज ने अपने तेरा तेरा नाम दिए है ना जैसे कि बांग्लादेश ने निशर्ग दिया बिपरजोई दिया अर्नब दिया है उपाकुल दिया इस तरह के टोटल तेरा नाम है जो कि बांग्लादेश ने दिए उसी प्रकार से इंडिया ने गति तेज मुरासू उसके बाद आग ये नाम इंडिया ने दिए उसके बाद मोलडीव ने बुरेवी मिदिली कानी ओडी ये नाम दिए इस तरह से सभी ने अपने तेरा तेरा नाम दिए अब क्या करते हैं हम इन तेरा तेरा नाम की लिस्ट बना ली अब जैसे कि अभी कौन सा साइक्लोन आया आपका मिचोंग अब मिचोंग नाम किसने दिया म्यांमार ने पहला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए दैट मिचोंग नाम इज गिवन बाय म्यांमार जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ वो नाम जिसका मतलब होता है होता है स्ट्रेंथ पहले क्या था जो साइक्लोन आते थे उनको फीमेल नेम देते थे ऐसा बोला जाता था कि जो साइक्लोन होते हैं वो फीमेल की तरह बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं बड़े गुस्से वाले होते हैं और बड़े ही ज्यादा हेवी टोल लेते हैं वो डेथ टोल हो वो प्रॉपर्टी और लाइफ का टोल हो इस तरह से विमेन के नाम दिए जाते थे बट कुछ टाइम के बाद उस चीज को हटा दिया गया अब साइक्लोन को ऐसे नाम दिए जाते हैं जो किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म ना कर सके जो किसी रिलीजियस पॉइंट से किसी को हार्म ना कर सके इस तरह से नाम दिए जाते हैं तो अब आपको यह पता चल गया मिचोंग नेम किसने दिया किसने दिया म्यांमार ने अब अगला जो साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या होगा रिमल क्या नाम होगा रिमल या रिमाल तो क्या करना है आपको जैसे घर वाले बोले कि सर तो बोल देना पापा इस बार तो जो साइक्लोन आया है ना उसका नाम मिचोंग है बट मैं आपको बता दूं कि अगला जो साइक्लोन आएगा ना उसका नाम होगा रिमाल और उसके बाद जो आएगा ना उसका नाम होगा असना घर वाले बोलेंगे कि तुझे कैसे पता बोले अंतर में कॉन्शियस माइंड में आया कि इसका नाम रिमाल ही होगा और जहां तक मुझे लगता है पापा मम्मी दीदी भैया इसको ये जो रिमाल नाम है ये देगा आपका कौन ओमान तो इस तरह से आपको ये वाली चीजें याद रखना है बट अगर पिट जाओ तो मेरे तक मत आना अपने तक इस बात को रखना क्या नाम है रिमाल अगला साइक्लोन जाएगा बाकी इस साइक्लोन को नाम मिचोंग साइक्लोन किसने दिया गया है म्यांमार ने दिया गया है इसको ये नाम याद रहेगा चलो तो ये हुए साइक्लोन्स के नाम साइक्लोन बेसिकली होता क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म ऑन अर्थ है ना फॉर्म इन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन देखो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन होते हैं जिनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन इनके कंपेयर में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते करते क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े होते और बड़ा एरिया कवर करते हैं। बट ये छोटे होते हैं डेढ़ से दो किलोमीटर के डायमीटर के होते हैं और नब्बे से एक सौ तक की स्पीड से चलते हैं और बहुत ज्यादा डिवास्टेशन करते हैं ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आते हैं इसलिए इनको उष्ण चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ओके तो एनओ ए ए नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट है ना

ता हुआ और बरसता हुआ बढ़ता है तो ये आपको साइक्लोन दिखाई देगा जिसका सेंटर में आपको इस तरह की इनस्टेबल कंडीशन दिखाई देगी ठीक है मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जैसे कि आपका ये वाला हुआ कौन सा मिचोंग इन साइक्लोन्स का मूवमेंट कैसा होता बेटा तो इन साइक्लोन का मूवमेंट इट मूव टू वेस्ट बेसिकली विंड जो चलती है है उस विंड विंड के डायरेक्शन में जो होती है, जो ट्रॉपिकल होती कि आपके नॉर्दर्न एंड सदर्न एमोस्फियर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन के बीच में चलती है इक्वेटर की तरफ ये विंड किस तरफ चलती है ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चलती है तो ये साइक्लोन को ईस्ट टू वेस्ट पुश करके लेकर के आती है फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो यहां पर ये जो विंड है इन इस साइक्लोन को ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की तरह पुश करके लेकर के जाएगी इस तरह से साइक्लोन का एक बेसिक मूवमेंट होता है बट इसका मतलब ये नहीं कि अरेबियन सी के अंदर आए हुए साइक्लोन हमारे इंडिया को इंपैक्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली वो इंडिया को इंपैक्ट करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि इंडिया के ऊपर भी अगर लो प्रेशर रहा तो वो विंड उसको आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ खींच लेगी जैसे कि एक बार हुआ था उन्नीस संतानवे में कब जब पोखरण टेस्ट हुआ था तो एक साइक्लोन आगे जाने की जगह पीछे आ गया था और उसने गुजरात राजस्थान वाले हिस्से में बहुत दिन तक परेशान किया था लोगों को ठीक है तो ये समझ में आया दूसरा साइक्लोन गेट इट्स एनर्जी फ्रॉम वाटर ये वाला पॉइंट याद रखना बेटा कि साइक्लोन को उसकी एनर्जी मिलती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से अब वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उसे पानी के पास से मिलेगा एंड इट गेट डेसिपेट व्हेन मोस्चर सप्लाई कट ऑफ जब साइक्लोन का यहां पर एंट्री लेता है यानी उसको बोलते हैं हम लैंडफॉल जैसे ही साइक्लोन लैंडफॉल करता है उस पर्टिकुलर एरिया में लैंडफॉल करने की वजह से वो कंडीशन साइक्लोन की खत्म होने लग जाती है और धीरे धीरे साइक्लोन आपका बर्बाद होने लगता आयुष समझ में आया यहां तक देखने को कैसे मिलेगा क्या बेटा बेच को आने में कितने दिन लगेंगे बहुत जल्दी बेटा आप लोग को बेच प्रोवाइड की जाएगी फेक स्टीव प्ले बहुत जल्दी वोल्केनो भी बता दो जो मैंने आपसे पर्सनली पूछा था यहां बताऊं जो आपने पर्सनली अरे बेटा अभी साइक्लोन पढ़ते हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा या फिर किसी लेक्चर में देख लेना कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया है वोल्केनो के बारे में चलो आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे तो मैंने बता दिया ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं बट इनका रोटेशनल डायरेक्शन क्या होता है ये घूमते कैसे हैं? सो द डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट तो वेस इन ट्रॉपिकल ओशन ये हमने जान लिया दूसरा इट रोटेट एंटी वाइज इन नॉर्दर्न हेमेस्फियर एंड क्लोक इन सदर्न हेमेस्फियर ये वाला पॉइंट आपसे पीडीएस प्लस एनडीए दोनों जगह पूछा गया है क्या कि साइक्लोन का रोटेशन किस डायरेक्शन में होता है तो याद रखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं काहे है? ये आपका हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हुई विंड आपकी अब हमें पता है कोरलिस फोर्स विंड को राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट करेगा तो जिस विंड को यहां पहुंचना ये विंड कहां चली जाएगी आपकी यहां पर ये यहां पर ये यहां पर और ये यहां पर यानी साइक्लोल अपनी विल ऐसे बनाएगा ठीक है तो ये किस तरह की होगी आपकी एंटी क्लोकवाइज समझ में आया पबजी रोबो ये क्या हो गए हमारी एंटी क्लोकवाइज वही सदन हेमिस्फीयर में कोरियलिस कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में अब लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा तो यही कंडीशन रिवर्स हो जाएगी और जब यह कंडीशन रिवर्स हो जाती है तो ये साइक्लोन आपको लेफ्ट हैंड हैंड मतलब राइट है, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होता है और क्लॉक वाइज चलता हुआ दिखाई घड़ी जैसे, जैसे ना क्लॉक की तरह वैसे ही आपको दिखाई देगा सर जी स्मार्ट लग रहे हो इसमें कोई डाउट है क्या अच्छी बात यह मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है गधे मजाक कर रहा हूं बेटा चलो तो ये वाला समझ में इट रोटेट इन एंटीक्लोक वाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लोक वाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर वो कारण रहेगा आपका कोरियोलिस बल क्या रहेगा कोरियोलिस फोर्स इसका रीजन रहेगा गेटिंग माय पॉइंट बेटा ओके आगे बढ़ेंगे अगला आ जाता नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन यह वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान भी देना पहला टाइफून कहां पर आता साउथ चाइना सी के अंदर पूछा गया और कैसे पूछता एग्जाम में यह भी बता देता हूं आपसे मैच मैच द कोलम में आपसे ये चीजें पूछी जाती है कैसा टाइफून साउथ चाइना सी के अंदर आता है याद रखना हरिकेन्स अटलांटिक के अंदर आता है साइक्लोन इंडियन ओशन एंड विली विलीज विली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अब देखो क्या हुआ कि चाइना वाले ने बोला हम तो टाइफून्स नाम रखेंगे तो उन्होंने बोला ठीक है आप टाइफूंस ले लो इनने बोला हम तो हरिकेन्स नाम रखेंगे तो अटलांटिक वालों को बोला आप हरिकेन्स ले लो विली विलीज ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला हम तो विली विली रखेंगे बोले ठीक है तो इंडियन जो इंडियन सबकोटिनेंट है या फिर इंडियन ओशन वाले ने बोला अब देखो आपने सभी ने नाम तो रख लिए बचा क्या बोले साइक्लोन बोले हम साइक्लोन ही रख लेंगे हम कोई बदलाव नहीं कर रहे वी विल बी विद द नेम व्हाट इज व्हाट इट इज तो वो साइक्लोन के साथ एग्री कर गए बोले हम तो कोई बदलाव नहीं कर रहे आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोग बताते रहे ना हम सेट हो चुके हैं साइक्लोन पे जहां नहीं आएगा जहां साइक्लोन आया समझ समझदाना इंडियन ओशन में आया है अगर टाइफून आया तो आप जान लेना साउथ चाइना सी होगा हरिकेन्स हुआ तो नॉर्थ अटलांटिक होगा और विली विलीस हुआ तो आपका वेस्टर्न पार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया का ठीक है तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्लियर हुआ बस बिल्कुल सही सृष्टि जो बच गया वो हम रख लेंगे इस मामले में तो हम बहुत ज्यादा वो है क्या बोलते हैं उसको छोड़ो क्या हुआ टाइफून आपको इंडियन ओशियन मेंशियन में, पैसिफिक, पैसिफिक में साउथ चाइना सी के पास देखने को मिल गए यहां पर आपको विली विलीज देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड पर ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन में देखने को मिलेंगे यहां पर हरिकेन्स देखने को मिलेंगे तो ये आपको मैप वाइज भी मैंने बता दिया मुझे बताओ इतना समझ में आया कोई डाउट तो नहीं आ रहा अगर आप इस लेक्चर को फिर से देखोगे ना तो मिचोंग के साथ साथ साइक्लोन तक क्या होता है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो क्योंकि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अब देखो मैंने आपको बताया कि यहां से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बट एक और मेरी बात की ये पढ़ो आप ना सिर्फ क्वेश्चन के लिए ये जो टॉपिक है बेटा इस टॉपिक को आप पढ़ो ना सिर्फ क्वेश्चन के लिए बट इसे इसलिए पढ़ो क्योंकि हम एक अच्छे इंसान है और यह हमारे देश के अंदर आने वाला एक डिजास्टर है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे आता है और हमें यह भी होना चाहिए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर दें इस डिजास्टर को मैनेजमेंट के लिए कि कैसे हम इसको मैनेज करवाए इस चीज में हमें ध्यान रखना है तो इस देश के नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में आने वाला तूफान किस तरह से शैलाब लेकर के आता है आगे बढ़ेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एट इनिशियल स्टेज कौन सी स्टेज पर इनिशियल स्टेज पर साइक्लोन के आने की कंडीशन क्या है पहला लार्ज सी सरफेस डिग्री सेंटीग्रेड समुद्र का तापमान अगर सत्तावीस डिग्री या फिर सत्तावीस डिग्री से अधिक रहा तो अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा पार्टिकल एक्सपांड हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ कॉन्वेक्शनली मूवमेंट कर जाएंगे इस वजह से आपको ये क्या हो गया हाई टेम्परेचर के साथ साथ आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा जब हाई टेम्परेचर के साथ प्रेशर लो होगा तो लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं आएगी और जब लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं आएगी बेटा तो कोरो फोर्स उनको घुमा देगा कंडीशन समझो आप, आप उसको लिंक करो सभी लोग मेरे एक मिनट के लिए अपने पेन कॉपी रखो और मेरे साथ सुनो कि अगर किसी एरिया में गर्मी बढ़ी तापमान के बढ़ने की वजह से सारे पार्टिकल्स हवा में उड़ गए जब सारे पार्टिकल्स ऊपर उठ के हवा में चले गए सारे पार्टिकल्स जब ऊपर उठ के हवा में चले गए तो क्या वो उस जगह पर विंड विंडियेट रीजन हो गया या फिर पार्टिकल रीजन हो गया या फिर उस पर्टिकुलर एरिया पर बन गया लो प्रेशर जब लो प्रेशर बन गया तो सारी तरफ से विंड आई और कोरियोलिस ने सबको घुमा दी कोरिस के घूमने के कारण उसने क्या कर लिया एक विल पैटर्न डेवलप कर लिया और फिर ईस्टर्ली विंड उसे पुश करके इंडिया की तरफ लेकर के आगे गेटिंग माई पॉइंट समझ में आया कॉन्सेप्ट बेटा कि किस तरह से लार्ज सी सरफेस ये सत्ताईस डिग्री हो सकता है या फिर आपका छब्बीस डिग्री हो सकता है इससे ज्यादा तापमान की जरूरत हमें पड़ेगी सर आप YouTube पर कब आओगे के लिए आएंगे आएंगे बेटा अनुभव मिश्रा बहुत जल्दी आएंगे अभी ये पॉइंट तो समझो अगला आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स भाई अगर कोरियोलिस फोर्स होगा ही नहीं तो साइक्लोन जो होगा जैसे ये एरिया है यहां पर बना लो प्रेशर है ना और इस लो प्रेशर के पार पास अगर विंड आई इसे फुलफिल करने के लिए और अगर कोरिस फोर्स एबसेंट होगा तो विंड घूमने की बजाय इस फोर्स को फुलफिल कर देगी और फुलफिल कर देगी लो प्रेशर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लो प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा कंडीशन ही खत्म हो गई साइक्लोन बनने की साइक्लोन बनने का पहला वो जानते हो आप मोटिव एक डेफिनेशन होती है अ लो प्रेशर एरिया एक डेफिनेशन होती है अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय क्लोज्ड हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड मतलब एक लो प्रेशर एरिया जो कि क्लोज सराउंडेड होता है जिसमें प्रेशर बाहर की तरफ जाने पर बढ़ता है और अंदर की तरफ घटता है वही आपका साइक्लोन होता है समझ में आया तो ये कोरियोलिस फोर्स में आपको देखने को मिलेगी अगली कंडीशन आपको प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर उस पर्टिकुलर एरिया पर लो प्रेशर पहले से मौजूद होना चाहिए और टेम्परेचर छब्बीस डिग्री जब बढ़ेगा तो इसी लो प्रेशर को वो कर देगा इंटेंसिफाई इसी लो प्रेशर को वो कर देगा इंटेंसिफाई कब जब तापमान 26 के पार जाएगा तो इस तरह की कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर पहले से यहां पर लो प्रेशर मौजूद है और तापमान बढ़ गया तो हवा और ऊपर उठ गई जब हवा और ऊपर उठ गई तो यहां पर क्या हुआ हमें साइक्लोन देखने को मिला है ना चलो आगे बढ़ते हैं अगला लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वॉर्म एंड मोइस्टर यह याद रखना इसको बोला जाता है एटमोस्फियर इन स्टेबिलिटी है ना और यूमिडिटी भी यहां पर आपको मिलना चाहिए कितनी हाइट तक लगभग आपको सेवन हंड्रेड मीटर जो कि साइक्लोन की हाइट रहेगी इतनी ह्यूमिडिटी भी जाना चाहिए तो अगर आपको लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई रहेगा वॉर्म और मॉइस्ट एयर का तो आपके साइक्लोन को लेटिट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलती रहेगी और साइक्लोन बढ़ता रहेगा जैसे ही साइक्लोन का क्या हुआ लैंडफॉल जैसे ही साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ वैसे साइक्लोन कट हो जाएगा ठीक है वैसे का वैसे साइक्लोन आपका डेसिपेट हो जाएगा ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं इस तरह का नुकसान होता है जब भूकंप आता है जब साइक्लोन आता है बेटा तो क्या करता है आप खुद समझो एक मेरी बात को समझो आज हम यहां पर अपने घर में बैठ करके इस चीज को आराम से पढ़ पा रहे हैं अपने घर में बैठ करके हम चीजों को जान पा रहे कि कैसे आया होगा बट आज मैं आपको चेन्नई की स्थिति बताऊं या फिर आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों की कहानी बताऊं तो वहां पर ऐसा हो चुका बेटा कि सब तरफ पानी भर रहा है एक तो ठंड का मौसम ऊपर से बारिश का पानी घर के अंदर घुस रहा एक ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई वहां पर लोगों के लिए कि काम पर जाना रुक गया दूसरा आपका जो ऑफिस थे गवर्नमेंट ऑफिस वो बंद कर दिए गए जो कॉलेज की एग्जाम थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया कई सारी ट्रेन जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ रही थी उन सारी ट्रेन को रोक दिया गया कई सारे काम जो थे उनको रोके रोके गए लोगों को वहां से निकाल कर दूसरी जगह ले जाया जा रहा तो इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है और ये बेटा होता कुदरत का कहर इसमें आप में हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग इसके लिए जिम्मेदार है मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं तो ये साइक्लोन के कारण हम क्लाइमेट चेंज जैसा कारण बता सकते हैं कि उसकी वजह से ये हो रहा वो रहा बट वो नहीं है एक्चुअल में साइक्लोन पहले भी आते थे साइक्लोन अब भी आते हैं और साइक्लोन हमारे बाद भी आएंगे साइक्लोन एक नेचरल फिनोमिना है जो कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखने को मिलता है हम क्या कर सकते हैं इस तरह के हैवॉक से बचने के लिए इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसे मिटिगेट कर ले है ना और दूसरा डिजास्टर में जो कहा जाता है रिस्पॉन्स करे रिएक्ट करे जब साइक्लोन आ जाए और जब साइक्लोन नहीं आए तब प्रिपेयर हो जाए

और वाटर की स्पीड बढ़ती है तो उनको अपरूटेड कर देते हैं वहीं है, दे है, तो याद रखना और और आपसे आप बन सके जैसे क्या होता है, कि जैसे गुजरात में आया था, है ना? जब इस तरह के साइक्लोन आते और कोई आपको अकाउंट हो जिस अकाउंट पर बोला जाता है ना कि प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द पीपल हु फ्रॉम द साइक्लोन प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट आई ऑल्सोज सजेस्ट ऑल ऑफ यू मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बट एक मदद हो जाती पाँच रुपये दस रुपये पंद्रह रुपये अगर हम एड कर भी देते हो सकता है उससे कुछ लोगों को भोजन मिल जाए वैसे तो कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाता है बट उसके अलावा भी हमारे हद तक अगर हम सेफ है और जो हम कर सके उतना हमें करना चाहिए ठीक है याद रहेगा चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनडीए ने पूछे थे वो मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन क्या था अम सी सरफेस टेम्परेचर विथ अ वो सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 26 डिग्री सेंटीग्रेड पहला तो 26 डिग्री से अधिक तापमान की कंडीशन दूसरी हाई रिलेटिव यूमिडिटी एट द हाइट ऑफ 700 मीटर और फिर इससे ऊपर यहां तक आपकी रिलेटिव यूमिडिटी भी है और ज्यादा भी है और दूसरा एटमोस्फेयर इनस्टेबिलिटी है कंडीशन आपको साइक्लोन के कौन से फेस में देखने को मिलती है कौन सी फेस में आपको साइक्लोन के देखने को मिलती है पहला फॉर्मुलेशन ऑफ इनिशियल फेस दूसरा मोडिफिकेशन स्टेज फुल मेच्योरिटी या फिर डीके कब यह कंडीशन हमें साइक्लोन में देखने को मिलती है यह 2017 एनडीए ने पूछा था और अभी मैंने आपको बताया भी था कि साइक्लोन की कौन सी स्टेज में हमें यह चीजें देखने को मिलती है? बताओ डिफेंस वॉरियर सर साइक्लोन का कोई एडवांटेज है क्या नहीं बेटा साइक्लोन का एडवांटेज नहीं है बस ऐसी कंडीशन होती है कि साइक्लोन के कारण रेनफॉल हो जाती है तो उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर है देखो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट तो होती है बट रेनफॉल के साथ साथ अगर आप उस पूरे एरिया को तोड़ भी जाओ तो रेनफॉल के फायदे तो हो गए और बाकी तो ढेर सारे नुकसान हो गए बिल्कुल सही बेटा इनिशियल स्टेज के अंदर हमें यह देखने को मिलता है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ साइक्लोन ठीक दूसरा आपको एक और क्वेश्चन था जो आपसे इंडिया ने पूछा था साइक्लोन यास जिसने उड़ीसा को हिट किया था और वेस्ट बंगाल को ये 2021 में आया था जिसमें विंड की स्पीड हमें 130 से 140 किलोमीटर पर घंटा देखने को मिली थी ये साइक्लोन यास किसने नाम दिया हु गिव नेम साइक्लोन यास अभी बताया मैंने कि साइक्लोन यास नाम किसने दिया ऋषभ सारस्वत दुक्षती एकदम सही सृष्टि शिवानशु एकदम सही बेटा सृष्टि ओमान बिल्कुल सही तो ओमान ने नाम दिया था साइक्लोन यास का ठीक है आ गया सभी को समझ में चलो तो ये वाला टॉपिक जो था मिचोंग का आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा मिचोंग कहाँ आया उसका पात क्या था उसके बनने की कंडीशन ये सभी कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग पूछ लेना मैं आपको किसी ना किसी बेच के अंदर जब आऊँगा आप लोगों को क्लियर कर दूंगा या तो यूट्यूब के अंदर आपको मिलने वाले हैं जल्दी और जल्दी आपको और भी बेचेस के अंदर मिलने वाले तो वहाँ पर आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे बट आई होप अगर आपने इस टॉपिक को सही से सुना होगा सही से जाना होगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया होगा और इस तरह की चीजें आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कमांड डिफेंस सर्विसेज या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एग्जामिनेशन जितनी भी होती है डिमांड करती है क्यों क्योंकि आप खुद सोचो कि जब मैंने आपको बताया ना ट्वेल्थ जो बटालियन थी मद्रास रेजिमेंट की वो खुद वहां पर गई रेस्क्यू करने के लिए मतलब जहां आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होता है कहीं कहीं डिजास्टर में एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है नेवी का इन्वॉल्वमेंट होता जब आप खुद इन इन विंग्स को ज्वाइन करने वाले हो तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए ठीक है ये आपको खड़ग वास्तु के अंदर भी बताई जाएगी या फिर इसके अलावा अगर आप ठीक है जहां भी जाते हो वहां पर आपको ये चीजें बताई जाएगी ठीक है तो इंडियन नेवी के इस दिन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना ठीक है और अभी सभी अपना बहुत ध्यान रखना बेटा एकदम तैयार रहना बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है एग्जाम के आने के एग्जाम जल्दी आ रही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ठीक है अब मिलते हैं अगले किसी दिन किसी क्लास के अंदर ओके बेटा जय हिंद एंड जय भारत